हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक मैकबुक एयर A1466 जो आता है, जो अब तक मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये बोर्ड देखिए ये रखा है, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। तो ये बोर्ड मैं आप लोगों को आप लोगों के सामने रिपेयर करके दिखाता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, केवल इधर की देखिए डीसी कनेक्टर की लाइट जल रही है, बट ये ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने इसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर शायद ये रिपेयर हो गया तो ठीक है, ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा और वीडियो को रोक दूँगा, उसको रिपेयर करूँगा, उसके बाद आप लोगों के साथ होल्ड को शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए कोशिश तो यही करते हैं हम कि आप लोगों के सामने ये बोर्ड रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं चार्जर लगाता हूँ और देखिए मशीन पे क्या आ रहा है। देखिए लाइट चल गई और मशीन पे, ठीक है, लोड नहीं बढ़ा 18 का रह गया, वरना आपको पता होगा कि निकालते ही खेम ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, लाइट देखिए, ठीक है, लगाता हूँ, देखिए लाइट जल गई, बट देखिए, ठीक है, तो ये ऑन नहीं हो पा रहा है, केवल लाइट जल रही है। चलिए इसकी सप्लाइयाँ चेक करते हैं, एक सेकेंड आप रुकिएगा, मैं मोबाइल को ऊपर रख देता हूँ। चलिए इसके वोल्टेज चेक करते हैं, कौन से वोल्टेज कहाँ बनना चाहिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। माइनस प्रोब को ग्राउंड कर देते हैं, बीस वोल्ट की रेंज में मीटर लगाइए, और अब मैं इसमें चलिए देखो चार्जर लगाता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए लाइट जल चुकी है, अब इसमें हम वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि मशीन पे 14 से 15 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए, वो वोल्टेज इस पर बनने हैं या नहीं बनने हैं, और 3-5 की जो कॉयल है उस पर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं इसके 14 वोल्ट और 3-5, देखिए 3-5 की कॉयल है ये, देखिए यहाँ कितने वोल्टेज बन रहे हैं, 0.57, क्योंकि चलिए यहाँ कोई वोल्टेज नहीं बन रहे, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं, ये क्या 3-5 का सेक्शन है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसके 14 वोल्ट जो कि एडाप्टर के मशीन से मैंने रखे हैं 15 वोल्ट, वो वोल्टेज इसमें बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं इस कॉइल पर, ठीक है। देखिए इस कॉइल पे कितने बन रहे हैं, 1 वोल्ट, ठीक है, बन रहा है आउटपुट, यहाँ भी 1 वोल्ट बनना है, और इसके नीचे एक वाइट कलर की आप देख रहे होगे रेजिस्टेंस होती है फ्यूज टाइप की, वो लगी हुई है, उस पर वोल्टेज आना चाहिए अडेप्टर के, चल रहा है अभी, यहाँ भी सेम वोल्टेज है, यहाँ भी सेम वोल्टेज है, तो फॉल्ट क्या है, यही है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं और उधर लाइट जल रही है, देखिए, ठीक है, लाइट तो जल रही है, ठीक है।
बट बोर्ड के अंदर 19 वोल्ट का मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी लैपटॉप 19 वोल्ट पे चलते हैं, इसके यानी 15 वोल्ट इसका फॉर्मेशन इस पर नहीं बनना है। जब तक कि वो नहीं बनेगा तो जब तक आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसकी पीछे जो आईसी लगी हुई है, चार्जिंग आईसी और 3-5 की जो भी है, उस पर वोल्टेज चेक करते हैं, वहाँ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इनपुट वहाँ पहुँच रहे हैं और आईसी पे इनपुट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसका एस्टिमेटिक निकाल लेता हूँ, एक सेकंड आप लोग लिख रुकिएगा। इसका एस्टिमेटिक मैंने निकाल लिया है और मैं बोर्ड को पीछे करता हूँ, क्योंकि इसकी जो आईसी है वो पीछे ही लगी है, ठीक है। यह आईसी है, देखिए इसकी, ठीक है, चार्जिंग है इसकी, ये वाली है, और इसका पार्ट नंबर बोर्ड का मैंने उससे इसका एस्टिमेटिक तो निकाल लिया है, बट इस पर आईसी का कोड वगैरह नहीं लिखा है, तो मैं इसका बोर्ड व्यू भी निकाल लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चलिए अब अपन इस आईसी को सर्च करते हैं। देखिए इस आईसी का, ये ठीक है, ये आईसी ये है U7100, ठीक है। तो मेरे पास कस्टमैटिक पे निकलता हूँ U7100। देखिए आप लोग, देखिए ये, देखिए ये दो रेजिस्टेंस जो जा रही हैं R7121, ठीक है, रुकिए आप लोग। देखिए R7121 और 22, इस पर वोल्टेज आना चाहिए और ये घूमकर जा रही है 27 और 28 नंबर पर, इस पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। चलिए मैं इसमें चार्जर लगाता हूँ और R7121 पे वोल्टेज देखते हैं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देखिए लाइट जल चुकी है, चलिए देखते हैं। ये देखिए इधर वोल्टेज आ रहे हैं, 15 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरे पे देखते हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस रेजिस्टेंसों पे इनपुट वोल्टेज जो होते हैं वो आ रहे हैं, और अब ये रेजिस्टेंस आउटपुट निकालेगी और
इस 7121 जो भी लगी है, सॉरी इस आईसी पे U7100 आईसी जो लगी है इस पे दे रही है, ये दे रही है या नहीं ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो आप लोगों को पास से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो मैं कैमरे से वीडियो बनाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फिर मैं आगे वीडियो को कैमरे से शूट करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए इसके बीच में दो कैपेसिटर लगे हैं, आप लोगों को दिख रहा है, रुकिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए एक ये और एक ये, इस पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कार्बन है, पर देखते हैं पहले, रुकिए। चलिए वोल्टेज देखते हैं, आउटपुट आ रहा है। देखिए एक साइड तो आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोने वाली जो रजिस्ट्रेशन लगी है उसका फॉर्मेशन ओके है, ठीक है। अब दूसरी ओर देखते हैं, देखिए इधर कितने वोल्ट आ रहे हैं, 14 वोल्ट, इधर 15 वोल्ट आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम इस लाइन में है। यही प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए आप लोग देख रहे हो यहाँ वोल्टेज क्या है, कम मिल रहे हैं, तो इस साइड 15 आ रहे हैं, देखिए इस साइड भी 15 आ रहे हैं, इस साइड कम आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी रेजिस्टेंस भी ठीक है, तो इसी के बीच में कहीं से कोई ट्रैक गड़बड़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। चलिए इसको मैं लगा के देखता हूँ और फिर देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, रुकिए। तो मैं इस पे जम्पर लगा देता हूँ एक, रुकिए जरा मैं करीब से लगाता हूँ। Okay।
देखिए जम्पर मैंने लगा दिया है, अब बोर्ड को देखते हैं, पावर देखिए बोर्ड ऑन होता है या नहीं, और बोल्ड जो जहाँ जहाँ नहीं बन रहे थे वहाँ आते हैं या नहीं। ठीक है चलिए रुकिए। देखिए बोर्ड ऑन हो चुका है, रुकिए। देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, और देखिए जहाँ जहाँ बोल्डेज नहीं आ रहे थे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है इधर वोल्टेज आ गए, अब देखिए जहाँ पहले नहीं आ रहे थे मैं वहाँ दिखा रहा हूँ, बोर्ड ऑन हो गया, डिस्प्ले आ गया देखिए। ठीक है तो एक बार बंद कर देता हूँ, नहीं तो सीपीयू गर्म हो जाएगा क्योंकि मैंने इसमें फ़ैन नहीं लगाया है। पीछे मैं आप लोगों को वोल्टेज दिखाता हूँ जहाँ पहले नहीं आ रहे थे, जहाँ एक बोल्ड आ रहा था। ये देखिए यहाँ 8 वोल्ट आ गया, यहाँ भी आ गया, ये 1 वोल्ट बन गया, 3.3 आ गए, 5 वोल्ट भी बन गए। तो हमारा बोर्ड ओके हो गया, आप लोगों ने फ्रेंड देखा, मैं तो सोच रहा था ये क्या सनी बोल्ड मिलेगा नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए फोल्ड कैसा भी हो, कितना भी कर रहा हो, कोई सा भी लैपटॉप हो, बड़े प्यार से और आराम से तसल्ली से बोर्ड को एक बार देखिए ठीक से और सही स्टेप से चलिए तो आप लोगों को फोल्ड 1 मिनट में मिल जाएगा। आप लोग गलत तरीके से अगर फोल्ड देखोगे, बोर्ड में वर्क करोगे तो आपको फोल्ड नहीं मिलेगा, आपका समय भी बर्बाद होगा और बोर्ड आपका एक डैमेज यानी कि बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैंने देखो ठीक से देखा बोर्ड को, स्टेप बाय स्टेप चेक किया जहाँ पर वोल्टेज आने चाहिए थे वहाँ नहीं आ रहे, फिर इसकी आईसी ढूंढी। ठीक है आईसी देख लीजिए आप कहाँ लगी है इसकी आईसी, ठीक है आईसी पर देखा तो इसकी इनपुट पिन जो होती है वो देखी मैंने, आईसी पे इनपुट जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है तो इनपुट हमारा बन रहा था लेकिन आईसी पे कम जा रहा था। ठीक है जो एप्पल है, एप्पल के अंदर 1-1 वोल्ट का वो होता है, ठीक है इसलिए इसमें पूरे वोल्टेज आना चाहिए, इसमें वोल्टेज नहीं जा पा रहे थे, वो क्या ट्रैक कहीं से ब्रेक था थोड़ा सा। देखिए चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कहीं से मॉइस्चर की वजह से डैमेज था। देखिए आप लोग वो जो आता है तुम्हारे पास दिख रहा है आप लोगों को, तो ये डैमेज है प्रिंट जिसके वजह से ये बोर्ड ऑन नहीं हो पा रहा था। अब देखिए बोर्ड बिल्कुल टकाटक हो गया है, आप लोग देखिए। ठीक है मैंने कितनी जल्दी कर दिया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।